अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल उज़्मा। आप लोगों की खिदमत में हाजिर है एक नई व्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ कि सब मुझे मिस कर रहे होंगे। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़मान में रखे, सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आज आई हूँ एक नई व्लॉग के साथ जी। आज जो है हम लोगों ने फैमिली प्लान बनाया था, दोस्तों के साथ बहुत टाइम स्पेंड कर लिया था। सोचा तो आज फैमिली को टाइम दे दूँ। हम लोग गए जी पहले ज़ू बंद थी, पता नहीं क्यों थी, मुझे नहीं पता। आप लोग को अगर पता हो तो रीज़न ज़रूर बताइएगा। हम लोग उसके बाद नेक्स्ट प्लान हमने किया वर्ल्ड जाने का। बच्चों ने कहा कि हमने आज घर वापस नहीं जाना, हमें नहीं पता कि हम लोग कहीं ना कहीं आउटिंग पे जरूर जाएंगे। उसके बाद हमने बनाया था एसएस वर्ल्ड का प्लान, अंदर एंट्री की टिकट वगैरह लिए और साथ ही साथ ये जो है शोके शोके मारते हुए वीडियो बनाते हुए फाउंटेन की और सारा इंटर होते ही व्यू पहले कैप्चर किया, वीडियोज़ बनाए, साथ साथ पिक्स वगैरह बनाए, क्लिक्स लिए सारे। और उसके साथ साथ हम लोगों ने जाके लिए जी टिकट्स वगैरह के, जो है अब झूले वगैरह भी खाए जाएँ। मैं जी जब भी एसएस वर्ल्ड जाती हूँ 100 टाइम का झूला ज़रूर लेती हूँ। तो बच्चों से भी मशवरा किया कि कौन से झूले में बैठेंगे, उनको भी जो है मेरे साथ साथ देखते देखते रिस्क उठाने का जो है दिल में आया। और उन्होंने सोचा कि हम भी जाके एसएस वर्ल्ड में स्पेशली हंटेड हाउस का विज़िट करते हैं। अच्छा, मैंने उनको समझाया था कि आप लोग अभी छोटे हो, नहीं जाओ, लेकिन उन्होंने ज़िद की कि नहीं, हमने जाना है पप्पू, हमने हर हाल में ही जाना है। पप्पू इसलिए कह रहे हैं कि वो भतीजे हैं मेरे, तो और साथ साथ भाभी वगैरह हम लोग सब जो है वहाँ पर घूमने फिरने गए। पहले जी हमने हादी की फरमाइश पूरी की, उसने कहा कि हमें बिठाओ झूले में। तो एक तो इतना दिल का कमज़ोर है, देखने में बहादुर है, बड़ा पहलवान लगता है, लेकिन हाल उसका कोई भी नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद हम दोबारा गए टिकट लेने के लिए और उसके बाद गए हंटेड हाउस की तरफ जी। ये बड़ा अपना दिल में बांध के मजबूत करके बैठे हुए थे। अच्छा जी, जब मैं यहाँ पे बैठी तो मेरे साथ जो है, जाहिर एक सीट पे जो है ना दो लोग बैठ सकते हैं, तो साथ में भतीजे को बिठाया और भतीजी बैठी आगे। इतने चीखे मारे, लोगों ने इतना एंजॉय किया, लेकिन जो है मेरी भतीजी बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो कह रही थी कि मुझे नहीं पता, बस ये ट्रेन रुकाओ, लेकिन भी कहाँ रुकती थी, अब तो जो है स्टॉप आता तभी जाके रुकती। खैर मैंने उनको चिढ़ाया, मैंने कहा कि हाँ भाई अब बताओ क्या हाल है। तो भी सर ठीक है, तुम लोग तो कह रहे थे कि भी हम बहुत इंजॉय करेंगे, हमें डर नहीं लगता। खैर ये सुनिए। अच्छा जी, उसके बाद भाभी जी की फरमाइश पे हम लोग बैठे ट्रेन में, जो भाभी की बहुत पसंद थी। उसके बाद बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, बिस्किट्स खाए और फिर जल्दी हम लोग कोस्टा कोना, जो हमारा दूसरा घर है, उसके बाद ऑर्डर वगैरह प्लेस किया। हादी जी की फरमाइश सुने जरा। अच्छा जी, ऑर्डर आ गया था। इसमें हमने दो पिज्ज़ा मंगवाए थे, चिकन टिक्का और फजीता, साथ साथ हॉट विंग्स मंगवाए थे, बर्गर मंगवाए थे, बर्गर्स मंगवाए थे, बिल आ गया। अच्छा जी, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, अगली वीडियो में आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।